कौन न्यूज से है सर? हेलो, आगे हैं हम लोग। रेड जोन 17 नंबर पे कुसुमलता देवी वेंटिलेटर पे भर्ती थी। ये आरा में इनका इलाज चल रहा था, वहाँ भी ये वेंटिलेटर पे ही थी। मरीज का किडनी, लंग और हार्ट तीनों फेलियर में है, और इसी फेलियर की अवस्था में परसों इनको संस्थान में भर्ती किया गया था। कल संडे था, आज मंडे है, तो इलाज चल रही थी। इसी बीच उनके परिजन जो नामित हैं FIR में, वो अंदर आईं, आके हमारे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के साथ झगड़ा करने लगी कि इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। जबकि सबने उन्हें बताया कि मरीज का ऑलरेडी तीनों लंग, किडनी और हार्ट फेलियर में है और इलाज इनका चल रहा है, लेकिन वो नहीं मानी। जो हमारे सिस्टर ड्यूटी पे थी, जो हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे, उनके साथ गाली गलौज करने लगी, भद्दी भद्दी बातें बोलने लगी। और इसी बीच उनका एक परिजन, वो भी अंदर आ गए और उन्होंने अंदर में बंदूक लहराना शुरू कर दिया। वो अपने आप को किसी पार्टी विशेष का सचिव या उपाध्यक्ष वगैरह कुछ कह रहे थे। तो जब हल्ला हुआ तो सुरक्षाकर्मी आए, सुरक्षाकर्मी ने उनको बाहर किया। बाहर जाने के बाद किस तरह से बहुत मुश्किल से तक बाहर किया। बाहर जब वो गए तो बाहर फिर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। हमारे अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमरेश कृष्णा, वो बीच में जब पहुँचे, उनको जब जानकारी तो तुरंत पहुँचे, उन्होंने समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो उनके साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की, उनके सामने उन्होंने बंदूक लड़ाना शुरू कर दिया। तो इन सब कारणों से जो है हंगामा शुरू हो गया। स्टूडेंट्स भी आ गए, उन्होंने भी जो है इनको बहुत सीरियसली इसको लिया। प्रशासन भी पहुंच गई, पुलिस भी पहुंच गई, और कोई अप्रिय घटना होने से बच सके। उन्होंने धमकी लगातार दी है, जैसा कि FIR में जिनके साथ ये हुआ है वाक्य उन्होंने लिखा है कि उन्होंने लगातार धमकी दे रहे थे, बंदूक लहरा रहे थे। तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, और हम लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या अस्पताल प्रशासन हो, तत्परता से उनके साथ निपटने का काम किया। और मरीज जो सीरियस है उसका इलाज तो हम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई। तीन लंग, किडनी और हार्ट जब फेलियर में है तो मरीज तो सीरियस है ही, इलाज तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का परिजन अगर करेंगे तो गलत तो है ही, और जो न्यायोचित कार्रवाई है उनका जो FIR में उन्होंने लिखा है वो की जा रही है। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।